मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं सिर्फ महिलाओं के लिए, जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं उस पर भी एडवाइस देते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और PFAS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू द शो। और सवाल जो आपके सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें SMS कर सकती हैं, श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं shri@zeenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी लोकेशन, अपना डिटेल्ड क्वेश्चन आप हमें जरूर लिखकर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर नेहा पुणे से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नेहा आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हाँ, मैं पुणे से नेहा मेनकोट बात कर रही हूँ जी। सवाल पूछिए। मैंने SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जी। मंथली 500 रुपए का 20 ईयर्स का प्लान है जी। तो ये प्लान अच्छे है, के लिए पूछने का था मुझे। SBI के अलावा टाटा के भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, टोटल 4 म्यूचुअल फंड है आपके पोर्टफोलियो में। हाँ जी। जैन जी, नेहा 20 साल के नजरिए से इन्वेस्ट कर रही हैं, 4 म्यूचुअल फंड जिनके पोर्टफोलियो में शामिल है SBI मैग्नम इक्विटी, SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेसेस, टाटा बैलेंस और टाटा डिविडेंड यील्ड। चारों ही फंड्स में 500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं, 20 साल का नजरिया है। जानना चाहती हैं कि क्या इस पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है या फिर ये निवेश जारी रखें। नेहा जी, एक्चुअली आपका नजरिया लंबा है वो अच्छा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप फंड्स हैं, तो हमेशा एक पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इन चारों में से जो ज़्यादा रिस्की है, विच इज़ मैग्नम एमर्जिंग बिजनेस, उसमें आप SIP अभी बंद कर सकते हो एंड यू कुड स्विच टू अ गुड लार्ज कैप फंड। दो ऑप्शन हैं इनमें, एक इंडेक्स फंड है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी ऑप्शन, या ICICI का एक फंड है फोकस्ड ब्लू चिप। इन दोनों में से कोई एक फंड में आप निवेश शुरू कर सकते हो। और टाटा के दोनों फंड्स हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि भले एक डिविडेंड यील्ड फंड वो एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है, लेकिन एक कंजर्वेटिवली मैनेज फंड है जी। वाइल SBI बिलीव्स इन टेकिंग टू मच रिस्क जी। तो एक तो ऑलरेडी आपके पास मैग्नम इक्विटी है, तो वो आप रख सकते हो एंड तो आपका जो नया पोर्टफोलियो है वो ऐसा हो सकता है, एक है मैग्नम इक्विटी, दूसरा टाटा के दोनों फंड्स बैलेंस्ड और डिविडेंड यील्ड, एंड द वन लार्ज कैप फंड, आइदर इंडेक्स फंड, निफ्टी ऑप्शन और फोकस ब्लू चिप जी। यानी नेहा, यहाँ पर कुछ बदलाव की जरूरत है जयंत जी के मुताबिक। जो 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, इसमें से SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेसेस, इस फंड से आप एग्जिट कर लीजिए और इसकी जगह कोई लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। दो ऑप्शंस जयंत जी ने आपको बताए, आप ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी या फिर फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स निफ्टी ऑप्शन, इन दो फंड में से कोई एक फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर शमीम अशफाक काजी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शमीम आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हेलो, मैंने अपना आपको पोर्टफोलियो भेजा था, उस पर मुझे मेरे क्वेश्चंस हैं। ओके, आर द स्कीम सिलेक्टेड बाय मी परफॉर्मिंग वेल? ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वो है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑप्शन शुड आई आइडियली सिलेक्ट, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड ग्रोथ? ओके, मेरा तीसरा सवाल है, तो मैं कौन सा अमाउंट भरना चाहिए फॉर 12 ईयर्स एट 11,500 पर एनम जी? ओके, और मेरा चौथा सवाल है, मुझे मेरा पोर्टफोलियो प्रून डाउन करना चाहिए फ्रॉम 8 to 5 स्कीम जी। जयंत जी, शमीम का आपने पूरा सवाल सुना, करीब 8-9 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। जानना चाहती हैं कि पहली बार जो इन्होंने फंड्स चुने हैं निवेश के लिए वो कैसे हैं, क्या बदलाव की जरूरत है, डिविडेंड ऑप्शन इन्होंने फिलहाल चूज किया हुआ है क्या वो सही है, ग्रोथ ऑप्शन इन्हें चूज करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जानना चाहती हैं कि जो 9 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, क्या इसको कट डाउन करके इनको 4 या 5 फंड्स ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। शमीम, ये लग रहा है कि आपने इन्वेस्टिंग करने से पहले काफी होमवर्क किया है। तो आपके फंड्स सभी अच्छे हैं, लेकिन यू आर सेइंग यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 11,500 पर मंथ, तो उसके लिए 8 फंड थोड़े ज़्यादा है, तो आप इनको कम करके 4 फंड्स कर सकते हो। जो 4 फंड्स जिनमें आप SIP बंद कर सकते हो वो है बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, रिलायंस RSF,
यूटीआई मास्टर शेयर और एचडीएफसी प्रूडेंस। अभी एचडीएफसी प्रूडेंस और बिरला फ्रंटलाइन दोनों अच्छे फंड्स हैं, लेकिन आपके बाकी जो फंड्स हैं पोर्टफोलियो में उनमें थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है जी, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपका जो नया पोर्टफोलियो है वो ऐसा हो सकता है, बिरला डिविडेंड यील्ड प्लस में 3000 पर मंथ, एचडीएफसी टॉप 200 में 3500 पर मंथ जी, रिलायंस बैलेंस फंड में 3500 पर मंथ जी, एंड यूटीआई मास्टर वैल्यू में 1500 पर मंथ। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट पर मंथ सेम रहेगा, लेकिन द कॉम्पोजिशन विल चेंज जी। दूसरा आपने पूछा है ग्रोथ या डिविडेंड, मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई पीरियोडिक इनकम की जरूरत नहीं है तो आप ग्रोथ चुन सकते हो, लेकिन द चॉइस इज एंटायरली अप टू द इन्वेस्टर। तो ऐसा कोई ये नहीं कि अगर आप डिविडेंड चूज करें तो आप कोई ज्यादा गलत काम कर रहे हो जी। दूसरा आपने पूछा है कि इफ यू कीप इन्वेस्टिंग एट लाइक 11,500 पर मंथ फॉर 12 इयर्स तो कितना हो सकता है जी। तो मेरे अनुमान में अराउंड, अगर आप 11% पर एनम कमाए तो अराउंड 34 लाख तक एक्यूमुलेट कर सकते हो जी। यानी शमीम, यहाँ पर जैन जी ने जैसा कि बताया कि आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा रीशफल करने की जरूरत है, आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रही हैं। चार फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ शामिल रखिए, जो आपके मौजूदा 9 फंड्स हैं उनमें से कोई चार फंड्स ही रखिए। चार फंड्स वो कौन से होंगे, जैन जी ने बताया कितनी राशि आपको इन्वेस्ट करनी है उन फंड्स से, वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। साथ ही साथ डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शन की बात अगर करें, अगर आपको पीरियोडिक इनकम की जरूरत नहीं है तो आप ग्रोथ ऑप्शन चुन सकती हैं, लेकिन अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन चुना हुआ है तो उसमें भी कोई ड्रॉबैक नहीं है, आप इन्वेस्टेड रह सकती हैं। साथ ही साथ कितना कमा लेंगी आप इस निवेश से 12 साल में, तो यहां पर एक एवरेज अगर मान के चले एनुअलाइज रिटर्न अगर आपको करीब 11% का मिलता है तो आप इस निवेश से करीब 34 लाख रुपए कमा सकती हैं। और यहां पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन है, सभी हमारे इस खास शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है आपकी, उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस ले सकती हैं। करना यह है कि आप हमें एसएमएस कर सकती हैं, शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, shi@zeenetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर प्रीति मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है प्रीति आपका, जी बिजनेस में क्या है आपका सवाल पूछिए। मैंने आपको जो पोर्टफोलियो भेजे ना जी, उसका उसमें कुछ चेंजेस करना है या कुछ, या 15 साल के लिए मैंने जी कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ वो 8000 रुपए जी, और 2000 रुपए मुझे और इन्वेस्ट करने हैं जी, तो उसमें कुछ सजेशन देंगे जी। जैन जी 8000 रुपए पर मंथ ऑलरेडी ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, 15 साल के नजरिए से इन्होंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया है, जानना चाहती हैं कैसा है इनका पोर्टफोलियो, साथ ही साथ 2000 रुपए और ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उसके लिए इन्हें कौन सा फंड चूज करना चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी? प्रीति एक्चुअली आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आई मीन नंबर ऑफ फंड्स आर इनफ, आपको ज्यादा फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो रिलायंस के जो दो फंड्स हैं, रिलायंस ग्रोथ और आरएसएफ, ये दोनों लास्ट एक साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसमें आपका एसआईपी बंद करके आपके बाकी फंड्स में स्विच कर सकते हो। तो मेरी राय में आपका जो नया पोर्टफोलियो है वो होगा जो एचडीएफसी है उसमें 2000 पर मंथ, एचडीएफसी टॉप 200, एचडीएफसी प्रूडेंस विल बी अगेन 2000 जी, डीएसपी इक्विटी 1000 होगा, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स यू कैन कंटिन्यू विथ 1000, एंड डीएसपी टॉप 100 को आप बढ़ा के 2000 कर सकते हो, क्योंकि आपका लार्ज कैप फंड एक ही है जी, और मोर ऑफ लार्ज टू मिड कैप फंड्स है, तो आपके लार्ज कैप फंड में थोड़ा आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो अच्छा है जी। तो यहाँ पर प्रीति कुछ बदलाव की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में, जैन जी ने जैसा कि बताया दो फंड्स हैं रिलायंस ग्रोथ और रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी, इनसे आप एग्जिट कर सकते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड एचडीएफसी प्रूडेंस और डीएसपीबीआर टॉप 100 जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल है उनमें आप इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको डबल कर सकती हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, बाकी कोई खास बदलाव की यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। जैन जी अगला ईमेल हमारे पास सोनिका दत्ता का हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से,
अपने बच्चों के लिए ये कुछ पूंजी है वो जमा करना चाहती हैं। टारगेट्स इनके हैं 12 साल में ये करीब 15 लाख रुपए कमाना चाहती हैं और वहीं 18 साल में करीब 20 लाख रुपए कमाना चाहती हैं। दो टारगेट्स से इनके अलग अलग टाइम होराइजन है। जानना चाहती हैं कि दोनों ही टारगेट्स को अचीव करने के लिए इनको कहाँ इन्वेस्ट करना होगा और कितना इन्वेस्ट करना होगा। सोनिका, भले आपका लक्ष्य दो अलग अलग टाइम पीरियड्स का हो लेकिन बोथ आर लॉन्ग टर्म, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इक्विटी से परिचित हो तो आप डायरेक्टली इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हो। मैंने ये अनुमान लगाया कि अगर आप एवरेज रिटर्न पर ईयर अराउंड 11% कमाएं फॉर 12 इयर्स आपका फर्स्ट लक्ष्य है, तो 12 इयर्स में अगर आप 15 लाख कमाना चाहती हैं और एवरेज आप अगर 11% कमाएं तो आपको 5000 पर मंथ का निवेश करना होगा। और आपका जो सेकेंड टारगेट है ऑफ 20 लाख इन 18 इयर्स, उसके लिए आप अगर 3000 पर मंथ का निवेश करेंगे तो काफी रहेगा, क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई एक फंड में निवेश करें तो ठीक है। जी, देर आर 4 फंड्स टू चूज फ्रॉम। एक है एक लार्ज कैप फंड ICICI फोकस ब्लू चिप, HDFC इक्विटी फंड, फिडेलिटी इक्विटी फंड और DSP इक्विटी फंड। ये चारों अच्छे फंड्स हैं। अगर आप चाहे तो दोनों गोल्स के लिए एक ही कोई फंड चूज कर सकते हो। जी, बट इफ यू वांट टू चूज टू डिफरेंट फंड्स, यू कैन चूज से HDFC इक्विटी फंड फॉर द फर्स्ट गोल एंड फिडेलिटी इक्विटी फॉर द सेकेंड गोल। जी, यानी सोनिका, जैसा कि जयंत जी ने बताया कि जो दोनों ही टारगेट्स अचीव करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक सेफर मेथड है इन्वेस्टमेंट का, ज्यादा रिटर्न्स यहां मिलने की संभावना रहती है। पहले टारगेट की अगर बात करें जो 15 लाख रुपए आप कमाना चाहती हैं 12 साल में, यहां अगर 11% का रिटर्न आपको मिलता है तो आपको करीब 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं जो दूसरा होराइजन है आपका 18 साल में 20 लाख कमाने का, यहां अगर 11% रिटर्न आपको मिलता है तो करीब 3000 रुपए पर मंथ आपको इन्वेस्ट करने होंगे। कुछ म्यूचुअल फंड्स भी यहां पर आपको सजेस्ट के जे एनजी, उनमें से कोई दो म्यूचुअल फंड आप चुन सकती हैं निवेश के लिए और निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। और यहां पर हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जो आपका सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस खास शो में अगर आप भी शामिल होना चाहती हैं तो आप हमें SMS कर सकती हैं, शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें जरूर लेकर भेजिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर शरयू मूल्य औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शरयू आपका जी बिजनेस में, क्या है आपका सवाल पूछिए। SBI कॉन्ट्रा फंड में मैं पिछले 14 महीनों से 2000 रुपए प्रति महीना निवेश कर रही हूँ। जी हाँ, मेरा 3 साल का नजरिया है, फंड का चुनाव सही है जी या कोई अलग फंड चुनना चाहिए? जी जैन जी, SBI मैग्नम कॉन्ट्रा में पिछले 14 महीने से 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है, नजरिया इनका 3 साल का है। जानना चाहती है क्या फंड का जो चुनाव है वो सही है या किसी दूसरे फंड में इन्हें स्विच कर लेना चाहिए? शरीव जी, एक्चुअली SBI कॉन्ट्रा फंड जो है उसका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री अच्छा है, लेकिन लास्ट 3 से 4 साल तक उसका परफॉर्मेंस लगातार घटते जा रहा है। 2 साल पहले जब उसमें फंड मैनेजर का चेंज हुआ, हमको लग रहा था कि शायद उसका परफॉर्मेंस वापस अच्छा होगा, लेकिन अभी तक वो इम्प्रूव हुआ नहीं है। तो मेरी राय में आप इसमें SIP बंद करके यू कैन स्विच टू आइदर HDFC इक्विटी फंड और फिडेलिटी इक्विटी फंड। जी। और यूजुअली हम लोग ये सलाह देते हैं कि 1 साल रुक के आप बाद में आपका जो भी स्कीम है उसको बेचे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज का करेंट मार्केट सिनारियो देख के आपको इसमें लॉस होता रहेगा। जी। तो आई सजेस्ट यू बुक योर लॉस इमीडिएटली, क्योंकि आप एटलीस्ट टैक्स रीजंस के लिए ये लॉस किसी और प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो। जी, यानी शरीर जी, SBI मैग्नम कॉन्ट्रा की जैसा कि जयंत जी ने बताया पिछले 3 से 4 साल से फंड का परफॉर्मेंस जो काफी निराशाजनक रहा है, तो यहां आपको अपना इसे एग्जिट करना ही फायदेमंद रहेगा। इसकी जगह कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड आप अपने इन्वेस्ट कर सकती हैं। 2 ऑप्शन यहां पर बताया जयंत जी ने, HDFC इक्विटी, फिडेलिटी इक्विटी, इन 2 फंड में से कोई एक फंड आप चुन सकती हैं निवेश के लिए। लेकिन हमारी आपसे यही सलाह है कि 3 साल का आपने नजरिया बताया है, थोड़ा और अपना नजरिया बढ़ाई, लंबी अवधि का नजरिया रखिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके अपने निवेश से। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो में शामिल होने के लिए। तो आज मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।